हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, समर सीजन स्टार्ट हो गया है तो आज हम आपके लिए समर के लिए एक स्पेशल डिश लेकर के आए हैं। ये आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, डिजर्ट कप बच्चे बहुत लाइक करते हैं, तो आप जब भी मन आए तब आप घर पे फ्रेश बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, किटी पार्टी हो चाहे बर्थडे पार्टी। आइए बनाना देखते हैं। हमने यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर की 8 ब्रेड ली हैं। अब हम इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं इसलिए बहुत इजी वे में ये क्रश हो जाती हैं। देखिए, बहुत अच्छे से हमने क्रश कर लिया है इनको। हमने यहाँ पे ली है व्हिप्ड क्रीम। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट कर ली है। देखिए, मैंने अच्छे से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 2 कलर के चॉको चिप्स लिए हैं। 1 चम्मच हम कॉफ़ी लेंगे, आप कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी का डाल लिया है। हमने यहाँ पे 6 चम्मच पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई है कॉफ़ी। अब हम व्हिप्ड क्रीम को आधा आधा कर लेंगे। मैं दूसरे बाउल में आधी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को आधा आधा कर लिया है, 2 जगह कर लिया है इसको। इसमें हम मेल्ट चॉकलेट को डाल देंगे। मेल्ट चॉकलेट है ये, इसको मैं व्हिप्ड क्रीम में डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब आप कोई से भी डिज़ाइन के डिज़र्ट कप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। देखिए, मैंने यहाँ इस डिज़ाइन के लिए हैं। हमने ब्रेड क्रश की थी वो डाल लेंगे। हमने कॉफ़ी का पानी बनाया था, चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा इस पर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की थैली से कोन बना लिया है। इसमें हम व्हिप्ड क्रीम को डाल लेंगे। अब हमने जो चॉकलेट वाली व्हिप्ड क्रीम तैयार करी थी इसको डाल देंगे। आप चाहें तो इसको भी कोन में भर के लगा सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से ही लगा रही हूँ। अब हम इनको चॉको चिप से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट से या डेरी मिल्क 5 स्टार किसी भी चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स देखिए डिज़र्ट कप बिल्कुल तैयार है, हमने डेकोरेट भी कर दिए हैं। अब हम इनको 30 से 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। उसके बाद आप ठंडा ठंडा डिज़र्ट सर्व कीजिए। अब आप किसी भी पार्टी में, किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, किसी भी ओकेज़न पे समर सीज़न में बना सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।